कोलंबिया एक ऐसा देश है जो दुनिया भर में ड्रग तस्करी के लिए जाना जाता है। यहाँ सालों से ड्रग तस्कर अपना कारोबार जमाए बैठे हैं, लेकिन सोम्ब्रा नाम के एक कुत्ते ने कई तस्करों का जीना मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें कि इस कुत्ते ने 2 साल में करीब 68 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़वाने में मदद की है। इस खास कुत्ते से परेशान तस्करों ने उसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम रखा है। तस्करों के मुताबिक सोम्ब्रा को जिंदा या मुर्दा लाने वाले व्यक्ति को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि कोलंबिया की पुलिस ने खुद इस कुत्ते के बारे में ट्वीट कर लोगों को इस बात की जानकारी दी है। जर्मन शेफर्ड सोम्ब्रा पिछले 2 साल से कोलंबिया के पुलिस विभाग में काम करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कुत्ते की मदद से पुलिस ने 245 अपराधियों की गिरफ्तार किया है। बता दें कि सोम्ब्रा की ड्यूटी 2 बड़े एयरपोर्ट पर लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार सोम्ब्रा ने मार्च 2016 पहला केस सुलझाया था। तब उस कुत्ते ने सूंघने की स्पेशल क्षमता की वजह से केले के बॉक्स में छिपाकर रखे गए 2,958 किलो कोकिंग को जब्त कराया था। यह बॉक्स बेल्जियम तस्करी किया जा रहा था। इसके बाद मई 2017 में सोम्ब्रा ने बेल्जियम भेजे जा रहे 1 टन कोकिंग को जब्त कराया था।